नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। नाउ अभी आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया यहाँ पर कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 बीमारी पैंडेमिक से जो है पूरी दुनिया त्रस्त है। और यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये हमेशा कोरोना वायरस को लेकर ज़्यादा सतर्कता न बरतते हुए इनके बैतू के बयान के लिए भी यहाँ पर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पूरी वर्ल्ड में अभी कोरोना वायरस के टोटल केसेस जो है 3,45,00,000 के समथिंग हो चुके हैं और टोटल डेथ्स के जो नंबर हैं वह 10,00,000 को क्रॉस कर चुके हैं। और अगर हम देखें कंट्री वाइज भी तो यहाँ पर जो यूएसए हैं टॉप नंबर पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं यहीं पर हैं 75,00,000 के पार। और यहाँ पर इंडिया जो है सेकेंड नंबर पर बना हुआ है 63,00,000 आंकड़ों से। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यूएसए टोटल कोरोना वायरस केसेस के मामले में भी नंबर वन है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि खबर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट जो आई है वह यहाँ पर पॉजिटिव पाई गई है और इसीलिए पूरा जो अमेरिका है ठीक है उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से न्यूक्लियर डूम्सडे प्लान लॉन्च कर दिया है। और आखिर यह है क्या, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आप हमारी क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन के लिए पीएससी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप हमारी जो है जीके की क्विज से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एमपीपीएससी कोर्स 2020-21 को यहाँ पर psc.com वेबसाइट पर जाकर परचेस कर सकते हैं और इसके लिए आपको फ्री डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये है खबर क्या। तो यहाँ पर खबर आई है कि अमरीकी जो राष्ट्रपति हैं ये चुनाव से एक महीने पहले, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में नवंबर में जो है राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो यह भी जो कैंपेन भी वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और इसी के लिए यहाँ पर अमेरिका और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं जो बाइडेन उन दोनों के बीच यहाँ पर एक डिबेट भी हो चुकी है। तो अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं इससे एक महीने पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप है जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और उनकी जो पत्नी मेलानिया ठीक है जो कही जाती हैं पूरी दुनिया की फर्स्ट लेडी ठीक है, तो जो मेलानिया है ये कोरोना पॉजिटिव जो है दोनों ही पाए गए हैं। अब इस कारण क्या किया गया है कि जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय है इन्होंने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट जारी करते हुए जो देश है ठीक है अमेरिका उसके दोनों किनारों पर यहाँ पर न्यूक्लियर डूम्सडे प्लान इसको लॉन्च कर दिया। अब ये न्यूक्लियर जो डूम्सडे प्लान है आखिर इसको लॉन्च क्यों किया गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी अमेरिका में कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से कोई संपर्क नहीं किया जा सकता, यानी कि उनसे डायरेक्ट जो हम किसी प्रकार से कोई देश के बड़े बड़े लीडर्स या फिर अमेरिका के भी जो है अन्य व्यक्ति उनसे मिल नहीं पाते हैं, तब इस प्रकार का जो प्रोग्राम है ठीक है जो न्यूक्लियर यहाँ पर डूम्सडे प्लान है इस प्रकार का जो प्रोग्राम है इसको देश की जो है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्लान है इसके जरिए जो देश हैं देश के दुश्मनों को यानी कि जैसे कि जो भी अमेरिका के जो दुश्मन होंगे देश उनको यहाँ पर चेतावनी दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि अगर उनसे तरफ से कोई भी अगर हरकत की जाती है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब क्या है कि अगर इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार से अमरीका अपनी सुरक्षा के संबंधित कोई अगर हम कहें कि कुछ बैठ के आयोजित नहीं कर पाता या फिर डायरेक्ट अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह किसी मुद्दे पर बात नहीं कर पाते तो इस दौरान की जो पूरी कंडीशन होती है यहाँ पर क्या देखा जाता है कि अगर कोई इस प्रकार का जो दुश्मन देश है अमेरिका का अगर वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अमेरिका पर अटैक कर देता है तो इसीलिए यहाँ पर जो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये न्यूक्लियर डूम्सडे प्लान यहाँ पर अमेरिका में इस परिस्थिति में लॉन्च कर दिया जाता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इस प्लान में क्या होता है, इस प्लान के तहत अमरीका के आसमान में ठीक है 2E6B मरकरी प्लान लगातार जो है गश्त लगा रहे हैं। ये जो प्लान है यहाँ पर आप देख पाएंगे E6B मरकरी प्लान जो है इस प्रकार से रहता है और यहाँ पर पूरी देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पर हवा में ये उड़ते रहते हैं और गश्त लगाते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो जहाज है ये अमेरिका के हवाई परमाणु जो है कमांड पोस्ट से संबंधित हैं और बॉइंग 707 विमान ठीक है जो अमेरिका की कंपनी है बॉइंग उनके द्वारा बनाए गए ये विमान है। इसके जो चार इंजन वाले जो ये प्लेन है ठीक है दोनों ये अपने हाईटेक कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जो है मदद से ठीक है यानी कि ये हाईटेक दूर संचार जो है डिवाइस की मदद से क्या कर सकते हैं US नेवी ठीक है वहाँ की जो नेवी है US की उसमें ओहियो क्लास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल जो है पनडुब्बियों की कमान से सीधे ये डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओहियो क्लास की जो सबमरीन से यहाँ पर क्या करती है कि ये पूरी जो अमेरिका का प्रशांत ओशियन है वहाँ पर ये इस प्रकार से जो है सुरक्षा की दृष्टि से चक्कर लगाती रहती है और यहाँ पर कभी अगर ज़रूरत लगता है तो यहाँ पर ये जो विमान है ठीक है
मरकरी प्लेन, ये डायरेक्ट इस सबमरीन इनसे जो है कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनको आदेश जारी कर सकते हैं सबमरीन को कि यहाँ से इस मिसाइल से डायरेक्ट जो परमाणु हमला है वह यहाँ पर इससे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सुरक्षा की दृष्टि से ये हो सकता है आने वाले कुछ समय में, या फिर अगर कोई कंडीशन बनती है तो परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं ये प्लान। तो आप सभी जान चुके हैं कि अगर अमेरिका पर इस दौरान कोई हमला हो जाता है तो ये जो E-6B मरकरी प्लान है ये सीधे क्या कर सकते हैं, ओयो क्लास की जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इन पनडुब्बियों को आदेश जारी कर सकते हैं और यहाँ पर फिर जब आदेश दे दिया जाएगा तो फिर ये परमाणु हमला कर सकते हैं, जिसके बाद इन परमाणुओं से दुश्मन देश के ठिकानों या महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बनाकर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस सबमरीन में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ज़्यादा दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी है इसमें और शॉर्ट रेंज यानी कि कम दूरी की मिसाइल भी इसमें, दोनों ही प्रकार की मिसाइलें इसमें रहती हैं सबमरीन में। और ये जो पनडुब्बियाँ होती हैं ये दुनिया के भर के अलग अलग जो है ठिकानों पर गुप्त रूप से तैनात है, चाहे आप बात करें कि हिंद महासागर, एंटार्क्टिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर, सभी जो है देशों में यहाँ पर ये गश्त लगाती रहती है, ठीक है, गुप्त रूप से। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो अमरीकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है इन्होंने इस बात का यहाँ पर पता लगाया है, ठीक है, तो हम कहें कि गुप्त सूत्रों से जानकारी आ रही, तो जो अमरीका ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है इनके टीम होगन, ठीक है, इनके अधिकारी, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट कर बताया है कि ट्रंप की जो कोरोना संक्रमित होने की खबर के अगले ही मिनट, कुछ ही यहाँ पर मिनट्स पर 2 EB-6 मरकरी जो प्लान है इनको हवा में यहाँ पर तैनात कर दिया गया था और उन्होंने प्लान को ट्रैक करने वाले एक सार्वजनिक सॉफ्टवेयर की मदद से इन विमानों का पता लगाया है। इन विमानों की पहचान इनके ट्रांसपोंडर्स के जरिए की गई है। देखिए यहाँ पर जो जानकारी हमारे सामने आई है कि अमेरिका के आसमान में 2 जो है मरकरी प्लान तैनात हैं, तो इसकी जानकारी हमें किस प्रकार से मिली है, इनके ट्रांसपोंडर के जरिए। ट्रांसपोंडर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब कभी भी 2 वायुयानों या फिर हम कहें कि 2 जहाज़ों के बीच कभी भी अगर सिग्नल को आदान प्रदान किया जाता है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए ट्रांसपोंडर की जो है मदद ली जाती है, ठीक है, सभी जो विमान होते हैं उनमें ट्रांसपोंडर को फिट किया जाता है और यहाँ पर ये यहाँ पर सिग्नल को छोड़ते भी हैं और कैच भी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्नल को हम कहें कि ट्रांसपोंडर की उपस्थिति की वजह से यहाँ पर जो सिग्नल उत्सर्जित होते हैं इनसे हम यहाँ पर इसके तैनात होने की या इसके कार्य करने की जानकारी हमें मिल पाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो विमान का ट्रांसपोंडर है इनको ऑन कर यहाँ पर अमेरिका चेतावनी दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोंडर है इस विमान में लगे उनके जरिए ही किसी विमान को क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, ठीक है, पता लगाया जाता है। इसलिए अधिकतर जो सैन्य विमान होते हैं उड़ान भरते समय खुद को ट्रैकिंग से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। लेकिन अमेरिका के जो ये E-6B मरकरी विमान है इन्होंने अपने ट्रांसपोंडर को जो है बंद नहीं किया है, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है कि साफ संकेत मिलता है कि दुश्मनों को सीधी जो है चेतावनी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि हम हवा में इसलिए हैं कि कहीं हमले की हिमाकत कोई देश ना कर बैठे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका पहले से ही सचेत हो चुका है और यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है ये एंड होता है। आप हमारा MPPSC कोर्स परचेस कर सकते हैं PCDA.com वेबसाइट पर जाकर। और अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के निष्कर्ष के बारे में तो यहाँ पर ये जो पूरी अमेरिका की रणनीति है, ठीक है, पूरी देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये एक्शन लिया जा रहा है, फिर भी यहाँ पर अभी किसी प्रकार की कोई हम कहें कि ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, सिर्फ ये एक सुरक्षा की दृष्टि से ही लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए बस इस वीडियो का एंड होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।